हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दो अपकमिंग टीवी सीरीज के अपडेट के बारे में, जिसमें कि मिस मार्वल और हॉकआई सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बात करेंगे अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के अपडेट के बारे में, जिसमें कि अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, Z5 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड अपडेट है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही सारे हैं और बहुत ही कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है अमेज़न प्राइम से रिलेटेड। तो फाइनली अमेज़न प्राइम की एक दमदार मूवी आ रही है, द टुमारो वॉर, जिसमें क्या आपको भरपूर एलियन देखने को मिलेंगे और एमसीयू एक्टर स्टार लॉर्ड देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्रिस पाइट की ये मूवी है और ये ऑफिशियली अमेज़न प्राइम पर 2 जुलाई को रिलीज हो रही है इंग्लिश में। हिंदी का कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है, जैसी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। पर देखिएगा जरूर, अगर हिंदी में डब नहीं होती तो कोई बात नहीं, पर मूवी बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि गेम के ऊपर बन रही है। उसी के साथ नेटफ्लिक्स की ड्रामा और रोमांटिक मूवी किसिंग बूथ, इसका 2 पार्ट हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। तीसरा पार्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ऑफिशियली रिलीजिंग डेट भी कंफर्म हो चुकी है गाइस, जो कि है 11 अगस्त 2021 को। ड्रामा रोमांटिक है, हिंदी में भी रिलीज होगा तीसरा पार्ट, देखिएगा जरूर 11 अगस्त को। उसके साथ फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का ऑफिशियली फर्स्ट कैप्टन अमेरिका का पोस्टर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, सैम विल्सन यानी कि एज कैप्टन अमेरिका, बहुत ही कमाल का लग रहा है पोस्टर। और उसी के साथ मार्वल असेंबल्ड का एपिसोड 2 आ चुका है, जो कि है मेकिंग ऑफ फाल्कन विंटर सोल्जर। अगर आपको बिहाइंड द सीन देखने हैं फाल्कन विंटर सोल्जर के, तो आप जाके देख सकते हैं। उसी के साथ नेटफ्लिक्स पे फाइनली हिंदी में आ चुकी है लुपियन, जो कि बहुत ही कमाल की सीरीज है, देखिएगा जरूर। और देन हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती से बनाया गया है। उसी के साथ अमेज़न प्राइम पर कलर आउट ऑफ स्पेस आ चुकी है हिंदी में, आप जाके देख सकते हैं। निकोलस केज की ये मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है, हॉरर मूवी है। थिंग्स हार्ड एंड सीन, कुछ देखा कुछ सुना, फाइनली नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आ चुकी है, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की मूवी है। थोड़ी पुरानी है पर हिंदी में अभी अभी डब हुई है। उसी के साथ द पावर, इसी साल ये मूवी रिलीज हुई है और हॉरर मूवी है, और ये आपको अमेज़न प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। मैंने वॉच लिस्ट कर लिया पर अभी तक देखा नहीं है। मुंबई से का एक बॉलीवुड मूवी, जो कि 27 अप्रैल को अमेज़न प्राइम पे रिलीज हो चुकी है, अभी रिसेंट में इस साल ही ये रिलीज हुई है, पर बहुत ही जल्दी ये अमेज़न प्राइम पर आ गई। उसी के साथ अगली मूवी ब्लॉकबस्टर राधे, मोस्ट वांटेड भाई, फाइनली आपको 249 में इसे आप Z5 पर देख सकते हैं, कुछ पैसे देकर, और Zplex पर 13 मई को, यानी कि सेम डेज। अब बात करते हैं एमसीयू के अपडेट के बारे में, जो कि है मेरा फेवरेट अपडेट। तो फाइनली मिस मार्वल की फर्स्ट सेट इमेजेस सामने आ चुकी हैं, और बस मेरे को बस इसमें यही चीज़ दिख रही है कि जो हम कॉमिक बुक, एनिमेशन सीरीज़ में, कार्टून्स में, और क्या कहते हैं आप गेम में देखते आ रहे हैं, वही सेम कॉस्ट्यूम हमें एमसीयू की टीवी सीरीज़ में देखने को मिला है, यानी कि बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मार्वल फेज 4 में कुछ यूनिक कर रहा है, और देन साथ ही साथ वो कॉमिक का फ्लेवर ला रहा है, और साथ ही साथ पेज मेकर का एक न्यू सेट इमेजेस देखने को मिला है, जी जेम्स गन ने डाला जब वो कॉफ़ी पी रहे थे, यानी कि हमारे जॉन सीना। तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, ये भी टीवी सीरीज देखना बनता है। उसी के साथ हॉकआई की न्यू सेट इमेजेस देखने को मिली है, जिसमें कि कॉमिक बुक वाला हॉकआई सूट पहना हुआ है, यानी कि आज तक 20-22 फिल्मों में ऐसा नहीं हुआ, पर टीवी सीरीज में हमें ये देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि हॉकआई ऑफिशियली ब्रेक भी हो चुकी है। अब बात करते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो अक्षय कुमार की न्यू स्पाई मूवी आ रही है बिल बॉटम, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डायरेक्ट देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये मूवी पॉसिबली शायद थिएटर में रिलीज ना हो, ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। और इनविजिबल के जो फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी है कि Season 2 और 3 कन्फर्म हो चुका है ऑफिशियली। जी हाँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और Season 1 तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा। और कोबरा काय का जो फाइनल सीजन है उसका ऑफिशियली प्रोडक्शन रैप हो चुका है, जी हाँ, खुशखबरी आपके लिए। और देन अभी अभी शूट स्टार्ट हुआ था और इतनी जल्दी शूटिंग भी खत्म हो गई। और फिन जो मेन एक्टर है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि इस साल कोविड के चक्कर में ये टीवी सीरीज रिलीज नहीं हो पाएगी, अगले साल ये टीवी सीरीज रिलीज होगी अगस्त के महीने में। देन उसी के साथ अब बात करते हैं मेरे एक और फेवरेट अपडेट के बारे में, जो कि ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज आयरन हार्ट, जो कि वॉर मशीन से डायरेक्ट जाके कनेक्ट होगी। और इस टीवी सीरीज के आपको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और डोमेन थ्रॉन्स इनका कैरेक्टर प्ले करने वाली है आयरन हार्ट का, यानी कि विलियम्स, जो कि मेन एक्टर है, ठीक है। और इसके साथ अगला अपडेट है कि आपको फाइनल एपिसोड में स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला था, पर एंड ऑफ दी इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया, पर अगर ऐसा होता तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को मजा आता। अब फाइनली बात करते हैं नेटफ्लिक्स की न्यू एनिमेशन मूवी मिचेल्स वर्सेस मशीन, तो हिंदी में आ चुकी है, जाके देख सकते हो। 30 अप्रैल को ये मूवी रिलीज हो चुकी थी नेटफ्लिक्स पर। गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, जो कि रिसेंट में इस साल ही रिलीज हुई मूवी, आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु में बुक माई शो पे मिल जाएगी 4 मई को देखने के लिए। तो आप कुछ रेंट देके इस मूवी को हिंदी में देख सकते हैं। लूसीफर Season 5 Part 2 फाइनली 28 मई 2021 को रिलीज होगा, ट्रेलर रिलीज हो चुका है, पोस्टर ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, ट्रेलर बहुत ही कमाल का, जाके देखेगा। अब बात करते हैं डीसी की न्यू कॉमिक पे बनी आधारित टीवी सीरीज
स्वीट टूथ जो कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ऑफिशियली इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो के एंडिंग में बस ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अपडेट थे तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं स्ट्रीमिंग नाउ, स्ट्रीमिंग सून, और इसमें तो आपको बहुत सारी टीवी सीरीज देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे अपडेट इसमें जानने को मिल जाएंगे। तो अभी जाके चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।